ले भाई ये इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली दिक्कत क्या है ये करवा के ले आया इसको, लेकिन ये फिर से आ गई, ये देखो चेक टर्न सिग्नल, ये फिर से आ गई ये बत्ती। अरे भाई भी जुड़ गए क्या सुबह सुबह मेरे साथ? आओ तो आओ भाई, आप सभी का गुड मॉर्निंग। मैं तो जरा स्ट्रेचिंग कर रहा था, क्या है ना डे टू तो मेरे पे गलती से मिस हो गया, आज मैं डायरेक्ट मतलब एक दिन मिस हो गया था, कुछ काम पड़ गया था, तो भाई आज मैं मेरा दूसरा दिन है और आज मैं ऑलरेडी 3 किलोमीटर रन कर चुका हूँ। आपको बदलाव दिख रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत, अब देखो पेट वेट अब अंदर चला गया है तो अच्छा चल रहा है भाई। आप सुबह का मौसम वातावरण देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, हमको बहुत अच्छी वाइब्स है, कोशिश कर रहे हैं भाई कम हो जाए तो बेस्ट है। आज हम लेट हो गया आने में, मैं तो यहाँ पे क्या है ना यार ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो ये शोर कर रहे हैं, वो जो पीस रहता है ना वो नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा वहाँ पे लोग कुछ कुछ अपनी फार्मिंग करने में लगे हुए हैं। चलो भाई फिर मैं जल्दी से भाग लेता हूँ और 2 किलोमीटर फिर घर चलूंगा, आज मेरे को कहीं जाना है यार आज सुबह सुबह वक्त ही। ये देखो इस तरीके की रिंग विंग बनती है एप्पल में, 3.25 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए हैं, 5 स्टेप्स में चल लिया हूँ तो भाग रहा हूँ, चल तो क्या लिया। ये रिंग जब पूरी हो जाएगी तो मानो आज का वर्कआउट पूरा हो गया, और डाइट पे तो मैं भाई अपना स्ट्रिक्टली मेंटेन कर ही रहा हूँ, थोड़ा लिटिल लिटिल ट्रैक पे गंदगी रहती है उसको इग्नोर करके हमको पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, हमको खाली ट्रैक अब देखना चाहिए उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि लोग भैंस नहाते हैं अपनी इसमें ला के, अभी कुछ तो अभी नहा के गई। होगा एक दिन कम होगा, जुड़े रहो, इसी साल हो जाएगा, अगले साल नहीं जाऊंगा इसके साथ, इसको इसी साल छोड़ जाऊंगा। भाई मंदिर पे आए थे तो जूते उतारने पड़ते हैं ना, तो अगेन इनके आज का मेरा वर्कआउट होता है खत्म, अभी यहाँ तक 4.5 किलोमीटर हो गया, घर तक 5 पूरा कर दूंगा, तो मेरा टारगेट 5 किलोमीटर रहता है, एकदम बॉडी को एकदम पुश नहीं करूंगा कि एकदम फिर ये कहे कि भाई अब नहीं जाना। चलो जी चलो अब भी भागते जा लाइक करें भाई, ये सहगल फाउंडेशन वाले कितने अच्छे हैं, इन्होंने देखो हमारे मंदिर पे क्या क्या करवाया है पूरा, ये इतना पहले ऐसे रहता था बेकार से पोखर थी ये, और इतना अच्छा बनवाया जिसपे हम घूमते हैं ना आज। तो इस दुनिया में बहुत लोग अच्छे भी होते हैं जो निस्वार्थ अपना काम करते हैं भाई, बिना किसी स्वार्थ के, अब हम तो जानते भी नहीं कहाँ की फाउंडेशन है क्या है, मर्सर पता नहीं क्या इतने सब लगाया है, पूरा लिखा विखा है, इतना ही अच्छा मुझे बनना है, इतना पैसा कमाओ कि फाउंडेशन खोलो और ऐसे अपना सोशल वर्क करो, देखो मेरे जैसे अच्छे लोग कितनी अप्रिशिएट करते कितनी दुआएं देंगे, सच में दिल से जब भी रोज आते हैं तभी ऐसे कहते हैं वाह यार कितना अच्छा इन्होंने काम किया है, मंदिर को क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया रियलिटी में यार। तो भाई फिलहाल एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं मॉर्निंग में ही यहाँ पहुँचा हूँ फरीदाबाद पोल्यूटेड सिटी में, इतना पोल्यूशन है यहाँ बस पूछो मत ना यार, अब तो इनको भी लगाना पड़ रहा है कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, तो मैं स्पेशल डोसा खाने आया हूँ भाई हेल्दी एकदम यहाँ पे, भाई ये हेल्दी ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा मच तो खाओ मज़ा बैठ जाता है, मसाला डोसा ये बहुत अच्छा बनाता है भाई, बहुत फेमस है इसकी दुकान है। आप सोच रहे होगे भाई ऐसा क्यों पागल बना रहा है डोसा खाने के लिए, इतना भी मैं फूडी नहीं हूँ भाई लग गई, एक्चुअली मैं आया हूँ भाई एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने यार, इसने मेरे को दुखी कर दिया है, आकाश भी मेरे से गुत्ता रहता है छोरा कहा करवा लाया मैं यार, यू दिक्कत है स्टार्ट करते ही ये लाइट लो, मतलब गाड़ी में वो बत्ती सी चलती, मेरे को टीपीएमएस तक की बत्ती नहीं पसंद, वैसे तो इसमें टीपीएमएस है ही नहीं पर ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा आज जाके इसकी भांस कटवाया था, सर्विस सेंटर वाले इसको करेंगे नहीं क्योंकि ये आपको पता किस वजह से है आफ्टर मार्केट वाली चीज की वजह से, वो इंडिकेटर हमने हटवाया वो तो कह देंगे भाई कि तुमने छेड़छाड़ करवाई है, वैसे कर भी दें क्या पता भाईचारे में, पर मैं कह रहा छोड़ना जब भाई जो डिटेलिंग वाले भाई उन्होंने मेरे से कह की है कि मैं करवा दूंगा कंप्यूटर से, नहीं तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें क्या सीधे ये इंडिकेटर लगा दूंगा, ये कर क्यों रहे हैं क्योंकि ये इंडिकेटर था हटा दिए तो वो करंट पूरा सप्लाई हो नहीं रहा, तो ये समझ रहे पता नहीं क्या ही हो गया, तो क्या है वायरिंग तो वहां तक जा ही पड़ी है, मैं इनको दोबारा लगवा के अंदर ही छुपवा दूंगा, कैसा आइडिया है? हाँ हाँ हाँ
है वहीं चिपका चिपक चिपक अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। ओरिजिनल को ओरिजिनल, ना कोई वायर के साथ काम, ना कोई कंप्यूटर ईसीयू के साथ, यही काम करूंगा। चलो वे डोसा फोसा खा के, यार दिन में उठते हैं ना, मतलब जल्दी उठते हैं भाई, दिन इतना बड़ा बड़ा सा लगता है। अब जैसे 11 बजे उठ के आया है, सुबह लग रही है मुझे तो अभी कि बिल्कुल अभी इस मॉर्निंग ही हुई है, इसकी थूथ भी बता रही है बिल्कुल जैसे इसको लग रही हो सुबह ही हुई है। सुबह उठना ना अच्छा लगता है, पर पता है अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है कि थकावट सी ज्यादा हो जा रही है। अगर मैं घर पे रहता ना अब तक सो जाता मैं दोबारा से, क्योंकि एकदम बॉडी को ऐसे वो पुश कर देंगे ना, दिक्कत हो जाती है। पर नाउ आई हैव लर्न टू बिजी माई सेल्फ, टू कीप बिजी माई सेल्फ। यार इंग्लिश में लिख अच्छी लेता हूँ, बोल नहीं पाता, क्या सिस्टम है भाई। अब हम आगे डिटेलिंग हीरोज पे, तो यहाँ पे वो स्कैनर विस्कैनर लगा के वो कंप्यूटर कंप्यूटर से वो तो चली गई इंजन लाइट, यार वो इंजन लाइट नहीं सॉरी वो चेक टर्न सिग्नल वाली लाइट, पर अब ये जल गई यार, ये कॉन्स्टेंट है, ये हट नहीं रही यार, इसमें कर दिया हमने बोल रहा सिस्टम पूरा, इंजन में कोई सही में तो कोई खराबी नहीं आ गई यार। देखो वो चेक टर्न सिग्नल यहाँ पे आती थी ना वो पीली पीली सी और आता रहता था यहाँ पे ब्लिंक, वो तो कर नहीं रहा, बस ये आ रहा है। अरे सुन वो इन पर वो लगवा ले वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड लाए थे जो हम, इसमें वाइपर ब्लेड बदलवा ले, इसके खराब हो गए भाई एकदम ख़त्म, तो मैं यूनिवर्सल वाले ले आया था, कह दियो एक हल्ला ये लगा देंगे, मतलब बढ़िया वाले रहे हैं ये जो एक कंपास और बढ़िया गाड़ी में आवे 700-800 में। देखो चलाऊंगा क्या पता तब हट जाए ये इंजन लाइट या फिर किया में ही लेके जाऊंगा फिर, इसकी वजह से तो नहीं है ये। चलो भाई अब हो चुका है अपना पूरा काम डन यहाँ पे गाड़ी का, वो वाइपर लग गए क्या दोस्त, वाइपर लग गए तो भाई डिटेलिंग गिरोस पे आके आप करवा सकते हो, वॉशिंग हो गई हमारी, अब लेके चलता हूँ उसको किया में एक बार जरा सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे चेक करवा लेता हूँ ये क्या इशू है क्या नहीं। अरे ब्लैक पीपीएफ का देखो इतना चलन चल गया है, अब ये वर्ण आई है बाइक पास चंडीगढ़ से 449, और भाई ने नई से वो भी लॉन्च करी है, कहीं से भी ले आते हो आप खुद ही? हाँ जहाँ तक ट्रेन या बस जाती है। तो इसको आप चंडीगढ़ लेने खुद गए थे भाई? हाँ खुद गए थे। तो कस्टमर ब्लैक पीपीएफ करवा रहा है और भाई चंडीगढ़ सारा काम हो रहा है इस पे, इंटीरियर का भी हो रहा है, हाइड्रो डिपिंग इंटीरियर में भी हो रहा है, सॉफ्ट टच लग रहा है और ग्रिल्स वगैरह जो है वो भी सारी हाइड्रो डिप हो रही है। अच्छा मोटा काम है तभी गए, पतले पे भी चले जाते हो? नहीं नहीं मोटे पे जाते, मोटे पे से जाते कुछ बचेगा तभी तो जाएगा आदमी। ले भाई ये इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली दिक्कत क्या है ये करवा के ले आया इसको, लेकिन ये फिर से आ गई ये बत्ती, ये पता नहीं ये एक हल्ला में तो कुछ बताती नहीं है क्या है क्या नहीं, और ये इंजन लाइट फिर से आ रही है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, एक ऑप्शन भाई इन इंडिकेटर को लगा देते हैं, लगा के देख ही लेते हैं यार अपना फेंडर में ना, वो वायर के अंदर ही कहीं पड़े रहेंगे ये, कुछ ना दिक्कत ना कोई सर्विस सेंटर जाना पड़े फिर, और क्या है इसको खोलो बेटा। अभी भाई फिर से नहीं हो पाया, ये खोल ली थी आधी पर इसमें यार खोलने में एक डेढ़ घंटा। हमसे ही होएगा लड़का नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ एक डेढ़ घंटा लगेगा ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर मैं, ठीक है नहीं तो मैं गाड़ी पिक करा लूंगा, जब हम चंडीगढ़ से करा सकते हैं तो इंद्री से भी करा सकते हैं। इंद्री तो 15-20 मिनट लगे हैं अब तो बस, ठीक है दिल्ली मुंबई पे आके कभी मजा लो उसका रोड का, आने से मिल भी लेंगे। हाँ रख ले इनको, आराम से इनको रख लेते हैं, चल ठीक है गौरव भाई, ओके मिलते हैं भाई, ओके बाय, ओके ब्रो, ओके ओके मौज तो बढ़िया है इसको देख के। नहीं यार यार बार बार चेक टर्न सिग्नल, इसका कैमरा भी खराब हो गया यार, निकू बाइक पास जाना पड़ेगा दोबारा अगेन, देखो कैसे क्या करे। ओ छोरा कहाँ करे रे, छोरा ना कर रहा ब्रेक कर रही है, हैंड ब्रेक नीचे भैया है भाई, जैसे मंदे टाइम में वो टीवी आते थे ना डिस नहीं चलती थी। तारे लाना पर जो, हाँ ये ऐसा सिस्टम है, मैं कभी चल जाए मतलब हर बार ना 50-50 कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। आई पता नहीं कौन सा ब्लो पंखा लगाया था ऐसे, तो पता नहीं इनमें वायरिंग लूज हो जाती है या क्या ओवर द टाइम, कंपनी की चीज सबसे बेस्ट बेस्ट रहे, बेसिक से क्वालिटी कम हो लेकिन चलती ज्यादा है, आफ्टर मार्केट वाली चीज थोड़ी ऐसी रहे। चलो भैया वो तो अपना काम हो नहीं पाया, उस भाई एक डेढ़ घंटा लगता जो मेरे पे था नहीं, मैं अपना यहाँ पे गाड़ी उठा के आ गया, ये दिखाऊं मैं हल्की सी प्रोग्रेस, ये देखो कॉलम कॉलम ऐसे खड़े हो जाते हैं, और कितनी ओंड आई है गहरा, कितनी दीवार पीछे भी हो गए और साइड में भी हो जाएंगे, जाड़े भर रहे हैं तकड़े। चलो भाइयों थैंक यू सो मच, उठाए गए इनके कॉलम वाला मन भर ले, पहले सीधे कॉलम खड़े करें, तीन कॉलम आए फ्रंट में ओनली। आजकल के बच्चे देखो ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स देखो, बस शॉर्ट्स ये देखो ऐसे, अब देखो भाई कितना बड़ो दिखा करेगा ये हमारा, यू देखो टन टन मेन रोड से।